नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत और आप देख रहे हैं कैमरा हब। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे हमारे पास ये जो कुछ कंटेंट हैं इसके ऊपर जो म्यूजिक लगाना है, म्यूजिक पे ऑटो बीट्स के हिसाब से ये जो वीडियो है उसको सेटअप करना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। और ये हम करेंगे वीएन ऐप के थ्रू, ठीक है। ये हमारा वीएन ऐप है, वीएन ऐप के थ्रू। जैसे मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये मैं आ गया वीएन ऐप के उस पर। ये देखिए मेरा वीएन ऐप है, इसमें मैंने कुछ पहले से वीडियो सिलेक्ट कर रखा हुआ है। यहाँ पे हम इसके ऊपर बीट लगाएंगे, ठीक है। तो मैं चला जाता हूँ म्यूजिक में, म्यूजिक में जाके यहाँ पे, और माय म्यूजिक, यहाँ से मैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो कर लूँगा क्योंकि उसमें मेरी वीडियो एक वीडियो में है, तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये देखिए हमारी म्यूजिक आ गई है, इसको हम कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरी म्यूजिक है। ठीक है, यहाँ इसको हम यूज़ कर लेंगे, यहाँ से हम इसको कर लेते हैं यूज, ओके। और यहाँ पे हम देख लेंगे, यहाँ पे देखिए ये यहाँ तक जा रही है, ठीक है। तो उसके हिसाब से हमें बीट लगाना है, इसको थोड़ा सा चौड़ा कर देंगे, ठीक है। जैसे कि आपको वो जो बीट समझ आए, देखिए मतलब जो ये जो ऊपर ऊपर गया हुआ ना, यहाँ पे ये इसका साउंड तेज हुआ है। जैसे मतलब बीट का मतलब, ठीक है, जो ऊपर गया हुआ है यहाँ पे हमें कट लगाना है एक तरह से कहा जाए तो हम जो है यहाँ पे सेटअप करेंगे। और सेटअप करने के बाद जो है ये देखिए, यहाँ पे बीट्स के में जाएंगे। बीट्स में जाने के बाद यहाँ पे देखिए, ये जहाँ जहाँ आपको दिख रहा है यहाँ यहाँ म्यूजिक लाउड हुई है, वहाँ जो है बेस की आवाज़ आई है, ठीक है। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको ये यहाँ पे देखिए, जब एकदम ऊपर है वहाँ पे फ्लैग कर लेना है, फिर उसके बाद आगे बढ़ना है और फिर यहाँ पे फ्लैग का वो कर लेना है, फिर यहाँ पे मतलब आपकी जो वीडियो के हिसाब से, कि मतलब वीडियो ऐसा ऐसा भी ना हो कि एकदम छोटी हो जाए, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे हर जगह पे फ्लैग लगा लेना है। तो जहाँ जहाँ पे आप लगाएंगे वहाँ वहाँ पे आपका बीट का वहाँ पे शो हो जाएगा। फिर उसके हिसाब से आपको कट करना अपनी वीडियो, ठीक है। मैं पूरी वीडियो दिखाऊंगा, आप वीडियो के साथ बने रहें, वीडियो को स्किप ना करिएगा, ठीक है। ये मैं 12 टाइम लगा दिया हूँ, 13, 15, 16 और 19 टाइम मेरा बीट का ये लगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कर लेता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ से कट कर लेता हूँ इसको, कि इसके पीछे वाला डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको उठा के एकदम स्टार्ट से कर देता हूँ। अभी देखिए, अभी हमारा जो है ये नीचे का ऑडियो बंद कर दिया मैंने, इतनी बड़ी हमारी एक ही वीडियो है, इसको हम जैसे ये यहाँ से आ गई तो यहाँ पे हमने ये वीडियो को कर देना है कट, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है दूसरी वीडियो यहाँ पे लेके आना है, तो इसको इसके आगे वाली वीडियो को जो है यहाँ से उठा के आगे कर लेते हैं, जिससे कि मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर दोबारा भी अगर चाहिए रहे तो उसको हम फिर से आगे लगा देंगे। जैसे मतलब आप, मैं ऐसे बता रहा हूँ कि आप इसके बाद करके कर सकते हैं। ये मेरी 3 वीडियो मैंने लगा दी, ठीक है। इस तरह से करके आप सारी जो ये वीडियोज़ हैं इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैं लास्ट में छोड़ देता हूँ इसको। ये यहाँ से फिर से मैंने कट कर दिया, कट करने के बाद जो बचा बचा हुआ पार्ट है इसको मैं लास्ट में ले लेता हूँ। इस तरह से आप जो है वीडियो को ऑडियो के साथ में सेलेक्ट करके
और फिर उसके बाद आप जो है बीट को सेट कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखिए जैसे कि ये स्टार्ट हुआ, यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, और इस तरह से आप जो है अपनी वीडियो को बीट के अनुसार सेट कर सकते हैं। जब बाकी भी इफेक्ट आप लगा सकते हैं इसके ऊपर, जो भी विनियट लगा सकते हैं, इफेक्ट लगा सकते हैं उसके हिसाब में। तो मैं बहुत ज़्यादा इस पर वो नहीं किया हूँ क्योंकि आप समझ आएगी, तो मैं सिर्फ एक नॉर्मल सा दिखाने के लिए मैंने बना लिया हुआ है कि आप देख सके इसको, और साथ में आप भी अपने हिसाब से अपनी वीडियो को एडिट कर सके। ठीक है, तो ये मैं लगभग बना चुका हूँ। इस तरह से आप भी जो है सेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आपको ये ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।